हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट 6 का फाइनल पार्ट। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीकल्चरल और कमर्शलाइजेशन को डिस्कस किया था, तो इसी यूनिट में हमारा सेकंड पार्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा बीए थर्ड सेम की जो इंग्लिश पॉलिटी और हिस्ट्री की बाकी की यूनिट्स हैं, मतलब इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 6। देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवे का कितना बड़ा रोल है। तो देखिए, जिस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट या उसका डेवलपमेंट का हम क्रेडिट कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को ही जाता है। तो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं कि रेलवे को कहा जाता है कि मतलब देश की जीवन रेखा है या देश की इकोनॉमी की एक जीवन रेखा है, या एक बड़े लेवल पर बड़े स्केल पर हम अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, हम अलग अलग कम्युनिटीज से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज से, कॉन्टिनेंट से, तो उन सभी चीज़ों में रेलवे ने कैसे हमें हेल्प किया है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि जो भारतीय रेलवे है वो आंतरिक परिवहन के लिए देश का सबसे प्रमुख मार्ग प्रतीत होता है, और रेल व्यापारिक रूप से देश की जीवन रेखा है, और देश के बड़े पैमाने पर कार्गो और यात्री यातायात परिवहन मांगों को प्रदान करता है, आर्थिक विकास में भी योगदान देता है, राष्ट्रीय सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है, और भारत की भौतिक परिवहन प्रणाली की ये नींव बन जाता है। इसलिए भारत में रेलवे का विकास राष्ट्र के लिए प्राथमिक और प्राथमिकता थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारतीय रेलवे का विकास कब हुआ है, मतलब किस ईयर में ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो अप्रैल 1853 में जनता के लिए मुंबई और ठाणे के बीच यात्रा करने के लिए भारत के पहले रेलवे नेटवर्क का उद्घाटन किया गया, और उसके बाद 1854 में इसको कल्याण तक फैलाया गया। उसके अलावा 1856 में इसको खोपोली तक बढ़ा दिया गया, और लास्ट में इसको 1858 में खंडाला, पुणे, खंडपुरा और बाकी जगहों तक भी फैला दिया। बट देखिए, ये सारी डिटेलिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आपको सारी डेट्स और लोकेशंस याद रखना ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अप्रैल 1853 में इसको मुंबई से ठाणे के बीच में एस्टेब्लिश किया गया था, सिर्फ ये एक लाइन आप यहाँ पर याद रखेंगे। और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें आप पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में रेलवे के विकास के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक इम्पॉर्टेंट हैं। तो भारत में रेलवे के विकास के लिए भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक हित जिम्मेदार है, और भारत की रेलवे प्रणाली के लिए एक लेआउट ये प्रिपेयर हमें करके देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक कारण। देखिए, इसके अलावा जो रेलवे का डेवलपमेंट या जो इनिशियल पीरियड में एस्टेब्लिशमेंट इसका रहा ईयर वाइज, और मतलब ईयर के साथ साथ में प्लेस या किस किस सिटी से इसको कनेक्ट किया गया, वो सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या यहाँ पे कारक जिम्मेदार थे ये आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक कारक कि समतल ज़मीन, घनी आबादी और बहुत सारे खेत खलिहान होने की वजह से भारतीय फ्लीट ने रेलवे के विकास में मदद की। हालांकि कई नदियों के अस्तित्व ने पुल के निर्माण की मांग भी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा था उस समय में, लेकिन बाद में वो चीज़ें भी धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। बिहार, असम और कई नदियों के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में शायद कोई रेल मार्ग नहीं है। इसके अलावा दक्षिण भारत का पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी रेल मार्गों के लिए उतना ज़्यादा हमें कह सकते हैं लैंडमार्क्स या फिर लैंडफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा उत्तर भारत है उसमें हम देखें तो हमें प्लेन्स यहाँ पर मिलते हैं, उत्तरी भारतीय मैदान में यहाँ पर मिलते हैं, और उत्तर में कुछ उबड़ खाबड़ जगह जो हमारे हिमालय क्षेत्र की तरफ है वो रेल उसको भी हमने क्या कर दिया था कि रेलवे से मतलब वहाँ पे भी कनेक्टिविटी पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट धीरे धीरे वहाँ पे भी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इन सभी जगहों को इस रेलवे मार्ग से जोड़ा गया। 1966 तक जैसलमेर और जोधपुर में भी कोई रेल मार्ग नहीं था, तो रेलवे सबसे आसान रास्ता अपनाना चाहते थे। तो धीरे धीरे इस पूरे उत्तर भारत को इन्होंने अपना एक मतलब कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट बनाया, और यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करके काफ़ी सारे स्टेट्स तक इसको फैला दिया। अगर हम बात करें आर्थिक कारकों की, तो जो रेलवे है वो वित्तीय रूप से विशेष अधिकार प्राप्त स्थानों में अधिक विकसित प्रतीत होता है, जहाँ आप कह सकते हो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या जो आपकी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उनके कारण रेल नेटवर्क की आवश्यकता ज़्यादा है। दूसरी ओर रेलवे अपने गंतव्य को आर्थिक सफलता प्रदान करता है, आर्थिक संबंधों के कारण प्रचुर खनिज पदार्थ, खेतों से मिलने वाले मतलब जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, और मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं
जो रॉ मटेरियल है, जो भी प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाली चीज़ें हैं, उनको हर जगह तक पहुंचा पाना या वाणिज्यिक केंद्रों के आसपास रेलवे का एक बिंदु होना ज़रूरी था। अब बात करते हैं राजनीतिक कारकों की। तो वर्तमान भारतीय रेल नेटवर्क ब्रिटिश औपनिवेशिक का अवशेष है और ब्रिटिश प्रशासन ने अपने व्यवसायों के लाभ के लिए भारत के कीमती संसाधनों का उपयोग किया और ब्रिटिश सामानों के साथ साथ राष्ट्रीय बाजारों को इन्होंने अभिभूत किया पूरे तरीके से। साथ साथ रेल पटरियों की संरचना तैयार की। रेल की पटरियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं और कई बंदरगाहों को ये आपस में जोड़ती हैं। तो ये कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा रेलवे और आर्थिक विकास, तो कैसे आर्थिक विकास किसी भी देश का वहाँ की रेलवे से कनेक्टेड होता है या रेलवे का क्या रोल होता है इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाने में, ठीक है। तो रेलवे और आर्थिक विकास में हम पढ़ेंगे कि रेलवे और आर्थिक विकास सीधा एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेलवे कार्गो और यात्री गतिशीलता का सबसे आम साधन है, देश के लिए आर्थिक जीवन को जोड़ता है क्योंकि भारतीय रेलवे खनिज, अयस्क, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि वस्तुएं हो गई हमारे पास, या लोहा इस्पात हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं। रेलवे समय पर मतलब चीज़ें आप तक पहुँचा देता है और बहुत लंबी दूरियों को ये ईजिली कवर कर देता है और अच्छी तरह से काम कर सकता है। ये रेल परिवहन, सिग्नलिंग, संचार, बुनियादी ढांचे आदि का दावा करता है और भारत की आर्थिक जीवनदायिनी भी ये है क्योंकि कई यात्री प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं और भारत सरकार को रेल मार्गों से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा कंक्लूजन यहाँ पर। तो जो हमारी सिक्स यूनिट थी उसके अंदर दो ही पार्ट हमें मेनली पढ़ने थे, कमर्शलाइजेशन और दूसरा ये डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।